हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एसएन क्रिएशन। आज मैं आप लोगों को 8 मार्च यानी वुमेंस डे के लिए एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट हैम्पर बनाना सिखाऊंगी और एक हेल्दी गिफ्ट हैम्पर भी बनाएंगे। तो इसके लिए हमने ये केक का पैलेट लिया है और ये थर्मोकोल का सर्किल लिया है। तो इस तरह से थर्मोकोल के सर्किल को से पहले हम इस तरह के बूके पेपर से कवर कर देंगे। इस तरह से ऐसे तरह से हम इसे कम्प्लीटली कवर कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से कम्प्लीटली कवर होने के बाद हम इस सर्किल को इस प्लेट पे फिक्स कर देंगे। इस तरह से पैलेट में फिक्स होने के बाद ये, क्योंकि हम हेल्दी हैम्पर बना रहे हैं वुमेंस डे के लिए, तो मैंने ये ग्रीन टी के पाउच लिए हैं फ्रेंड्स। तो ये ग्रीन टी के पाउच को हम इस तरह से हमारे, हमने जो सर्किल बनाया है हैम्पर का, उसके अराउंड इस तरह से लगाएंगे। फ्रेंड्स, जब भी आप इस तरह का डेकोरेशन करें, इस तरह का बनाएं, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखें कि भाई बस एक ही मोशन में आनी चाहिए चीज़ें। जैसे जैसे हम ये ग्रीन टी के पाउच लगा रहे हैं तो एक सिधाई में ही आनी चाहिए। मतलब हमने ये पोर्शन ऊपर रखा है तो ये पोर्शन ऊपर ही होना चाहिए, सीधे होने चाहिए सारे। इस तरह से फ्रेंड्स, बराबर दूरी में हमें इस तरह से बराबर लगाते हुए हमें सर्किल को कंप्लीट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा सर्किल कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हमें इस तरह की कुछ चॉकलेट्स दी, ये मैंने इस तरह की कुछ कैंडीज ली है। इन कैंडीज को हम इस तरह का हम स्क्वायर शेप ले लेंगे बुके पेपर का और उसे हम इस तरह से मोड़ के और इस तरह से ट्रायंगल बना देंगे। फिक्स कर देंगे।
टूथपिक की हेल्प से, टूथपिक में इस तरह से चॉकलेट को सिक्योर कर देंगे पहले तो इस तरह से, और इसे इसमें इंसर्ट करके फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने चॉकलेट स्टिक्स रेडी कर ली है। अब इसके बाद ये एक हमने बुके लिया है, ये बुके के फ्लावर्स को निकाल के हम इसे भी टूथपिक में अरेंज कर लेंगे। इस तरह से ये फ्लावर निकाला मैंने और इसकी पेटल निकाली और इसे हम टूथपिक में टूथपिक में फ्लावर आ गया हमारा। अब हम रैंडमली चॉकलेट्स और फ्लावर्स को लगाएंगे। फ्रेंड्स हमें इसे कंप्लीट करना है। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ये फ्लावर अरेंज और चॉकलेट्स का अरेंजमेंट किया है हमने। मैंने डिफरेंट कलर के फ्लावर्स भी लगाए हैं, जिसमें रेड है, मरून है, पिंक है और येलो फ्लावर्स भी लगाए हैं। आप जितनी ज़्यादा वैरायटी देंगे उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम आएगा, उतना ही ज़्यादा आपका हैम्पर खूबसूरत लगेगा। और इसके बाद हम ये हमारे पास कुछ ही ग्रीन पेटल्स हैं जिन्हें मैंने टूथपिक में वैसे ही अरेंज करके रखा है। तो इस तरह से हम इसमें ग्रीन पेटल्स भी लगा दें। फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारा चॉकलेट और फ्लावर का अरेंजमेंट हो चुका है। आप देख रहे होंगे ये मैंने खाली जगह छोड़ी है, क्योंकि हम एक हेल्दी हैम्पर बना रहे हैं, इसलिए इस खाली जगह में हम ये ऑरेंज रखेंगे ताकि हमारा फ्रूट भी इसमें इन्वॉल्व हो। इसको कंप्लीट करने के बाद फ्रेंड्स हम चाहें तो थोड़ा और वॉल्यूम देने के लिए इस तरह का नेट भी इस तरह से साइड्स में लगा सकते हैं, ताकि बुके में हमारा जो हैम्पर जो हम बना रहे हैं उसमें और भी अधिक वॉल्यूम आ जाए। इस तरह से रैंडमली हम इसमें नेट डाल सकते हैं।
हमारा हैम्पर रेडी हो गया है। इस तरह से कंप्लीट होने के बाद हम इसे फाइनल लुक देने के लिए मैं एक बो लगाऊंगी ताकि हमारा फाइनल और बहुत ही प्यारा गिफ्ट का लुक आ जाए इसमें। हम इसे टेप की हेल्प से बो सेट करते हैं। से देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा वुमेंस डे का बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा और हेल्दी हैम्पर रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी क्रिएशन, हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें आकर ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।